अध्यक्ष जी, आज दुर्गा पूजा का नवरात्रि है, सिद्धिदात्री देवी का। आज जो भी मनोरथ मनोकामना मांगा जाता है माँ से, उसको पूर्ण करती है माँ। तो आज एक अध्यक्ष होने के नाते आप पूरे शहरवासियों को और पूरे राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा देश और तरक्की करे। और कल दसवीं का दिन है, विसर्जन है। पूरे शहरवासियों से हम अपील करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करते हुए हम लोग विसर्जन का दिन प्रशासन का सहयोग करें, मिलजुल कर सभी धर्मों के लोग इस पर्व को मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। और CGP तरफ से मैं एक बार पुनः पूरे शहरवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। मिलानी में माँ का अद्भुत स्वरूप जो हमारे झारखंड और पूरे भारतवासियों को वर्वस आकर्षित करती है। बड़े विधि विधान से पूजा होते हैं मिलानी में, और ये हमारे जमशेदपुर की गौरव है, सबसे पुरानी ये सार्वजनिक स्थल जहाँ पे कार्यक्रम और धार्मिक सांस्कृतिक संवर्धन संरक्षण के लिए काम किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन का कार्यक्रम है और हवन में हमारे सारे भक्त श्रद्धालु बैठे हैं और सभी महिलाएं आज आनंदित हैं, क्योंकि माँ शक्ति की उपासना है सिद्धिदात्री का, और ये हवन में आहूत किया जा रहा है माँ को, उन सभी वस्तुओं को जो माँ को प्रिय है। और माँ आज सबकी मनोरथ पूर्ण करती हैं, सिद्धिदात्री देवी माँ। नवरात्रि का दिन बहुत शुभ और मिलानी का ये पूजा पंडाल और पूजा स्थल, और ये सैकड़ों की तादाद में दर्शकों की भीड़ और दर्शकों का यहाँ पर आगमन, ये सब अपने आप में बहुत अद्भुत और अनूठा है हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे संस्कार के लिए, जो आज पूरे विश्व में इसका नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ देवी की पूजा होती है, माँ की पूजा होती है, जो आप साक्षात देख सकते हैं। और ये आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है माँ का आशीर्वाद, और पूरी दुनिया में भारत का वैभव माँ के कृपा से ही बनी रहती है। नवरात्रि का नौवा दिन और सिद्धिदात्री माँ का आज दिन, जो मनोकामना मनोरथ कोई भी रखता है आज माँ पूरी करती है, और स्वयं आप माँ की एक प्रतिमूर्ति हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आज ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को और झारखंड और जमशेदपुर के लोगों को? सबसे पहले तो मैं मिलोनी का प्रांगण में हूँ, जहाँ पर दुर्गा पूजा हम लोगों का महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह हम लोगों के बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये नवरात्रि की और राम, हम लोगों का जो रामनवमी भी हम लोग कहते हैं कि नवमी, महानवमी का ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासी, झारखंडवासी, जमशेदपुरवासी सभी को, सब का जीवन मंगलमय हो, यही माँ से प्रार्थना करती हूँ। और खास करके महिलाएं, सब महिला सुरक्षित रहे और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही शुभकामना मैं देती हूँ। माँ सिद्धिदात्री का दिन, जो मनोरथ मांगेगा उसको पूर्ण हो जाएगा। बड़ी विधि विधान से आपकी पूजा होती है, हमें ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड में इतनी विधि विधान से पूजा और कहीं नहीं होती है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा इतिहास जुड़ा है मिलनी का, कि महिलाएं शारदीय नवरात्रि का सारी जिम्मेवारी संभालती हैं और पूजा होता है, और आप लोगों का संरक्षण उनको मिलता है, संवर्धन मिलता है, और आप लोगों के एक टीम वर्क के साथ हमारी भारत की महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं सुशोभित होकर माँ की आराधना करती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस नवरात्रि पर? पहले तो इस शुभ महानवमी का हम सब जमशेदपुरवासियों को अपने ओर से शुभेच्छा और प्यार देते हैं। हमारे यहाँ मूर्ति तो चतुर्थी के दिन आ जाते हैं, लेकिन पंचमी से यहाँ हम लोग क्लब मेंबर्स के लिए जो खाने का दोपहर का लंच का व्यवस्था करते हैं दसवीं तक। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे क्लब में ना करीब 150 से ज़्यादा महिला मेंबर है, वो लोग को मतलब किचन से कम दूर रखा जाए, और वो लोग दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे परिवार पूजा में आनंद ले सकते हैं। तो वो लोग का आनंद के चलते हम लोग इसी को
ये करते कि मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लब के पूजा में शामिल हो, और हमारे जो जमशेद बिष्टुपुर प्रशासन है वो भी इतना निश्चिंत रहते हैं कि हमारे यहाँ जो उस माहौल में पूजा होती है वो एक मैंने एक तो प्रशासन का आदमी भी देना मैंने ज़रूरत नहीं समझते, जानते हैं कि हाँ उस टाइप का कोई आदमी यहाँ आते नहीं है, ना हमारे कमिटी से ना आउटसाइडर से, तो वो लोग भी निश्चिंत रहते हैं यहाँ का पूजा का माहौल के लिए। और षष्ठी से लेकर नवमी तक हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें पहले रोज षष्ठी का रोज आगमोनी प्रोग्राम क्लब के जो हमारे म्यूजिकल ट्रूप है सूर संगम उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद बाकी सप्तमी अष्टमी नवमी ये तीन रोज जमशेदपुर के बाहर से आते हैं, दो रोज कलकत्ता एक दिन रांची से, जैसे आज रांची से आ रहे हैं, और उसके बाद कल तो दसवीं है, कल हम लोग यहाँ से 2 बजे निकल जाते हैं और 4 बजे तक विसर्जन करके फिर वापस आ जाते हैं। तो हम जमशेदपुर वासियों को शुभ नवमी का बहुत बहुत बधाई देते हुए और शुभेच्छा देते हुए अपना ये रखते हैं कि माँ इन सब सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दे और सबको सुख और शांति प्रदान करे। नमस्कार। नवरात्रि का ये दिन जमशेदपुर पूजा कमेटी ये पूरे झारखंड की सबसे पुरानी पूजा कमेटी है, और यहाँ पर माँ का साक्षात स्वरूप विराजमान रहता है, और इतनी विधि विधान से पूजा पूरे देश में कहीं नहीं होते। 1919 से एस्टेब्लिश है ये, और एक पांचवी पीढ़ी पूजा कर रही है माँ का। आप सब लोग बहुत गौरवान्वित हैं, हम सभी लोग गौरवान्वित हैं कि माँ के इस पूजा को लोगों तक देश दुनिया में पहुँचाने का एक जरिया बनते हैं। लेकिन आज नवमी का दिन है और सिद्धिदात्री माँ सबको मनोकामना पूर्ण करने वाली है, क्या कहेंगे आप? और हम लोग का क्लब जैसा चल रहा, जैसे 105 साल से चला है, माँ का आशीर्वाद से ऐसे ही चलते रहेगा। हम लोग कोशिश करेगा जब तक हम लोग रहेगा, हमारा दूसरा पीढ़ी रहेगा, वो लोग करेगा, ऐसे ही चलेगा, ये हम आशा करते हैं जी। आप क्या कहना चाहिएगा आज के विशेष दिवस पर? विशेष दिवस यही है जो आज राम नवमी है दुर्गा पूजा का, तो नवमी का दिन अभी होम होगा, अभी होम यज्ञ होगा, पूजा हो गया, अंजलि हो गया, सब कुछ हो गया, भोग वितरण हो गया, सब कुछ हो गया, अभी होम होगा, होम के बाद आज का पूजा समझ में। क्या कहना चाहिएगा सब जमशेदपुर के लोगों को? इस कमेटी का तरफ से जमशेदपुर वासियों को माँ का जो है जो सिद्धि जो प्रदान करे, सबका जीवन और सुखमय हो और गौरवान्वित हो, इसी कामना का साथ हम लोग आशा करते हैं कि आगे की साल भी और बढ़िया हो जी। क्या कहेंगे आप, यंगस्टर हैं? जमशेदपुर पूजा कमेटी की ओर से शारदीय की अनेक शुभेच्छाएं, और मैं यंग जनरेशन हूं, और मैं इस यंग जनरेशन यंग पीढ़ी को ये कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म व संस्कृति इसको बचाने के लिए सभी आगे आएं। जैसे हम सभी इस कमेटी के जो नए सदस्य हैं, जो यंग जनरेशन हैं, वे सभी आ रहे हैं एवं अपना दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, उसी प्रकार हम देशवासियों के सभी यूथ को, सभी हिंदू भाई बहनों को ये कहना चाहिए, हम ये कहना चाहेंगे कि वे आगे आएं और संस्कृति को संरक्षण करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे दादा आज के दिवस में देशवासियों को और झारखंड वासियों को? बोले विधि विधान से पूजा होना चाहिए, पूरा प्रोसेस में पूजा होना चाहिए, और नेक्स्ट जनरेशन बोल के आजकल का जो बच्चे ले लो हैं, यहाँ अपने यहाँ रहते नहीं है, सब बाहर बाहर पढ़ने आते, नौकरी आते, सबसे बड़ा समस्या यही होती है कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है इस पीढ़ी में, ये पीढ़ी हम लोग का सेकेंड जनरेशन में कोई करने वाला नहीं है। हम लोग जितना भी सकेंगे विधि विधान से करेंगे, इसके बाद क्या होगा माँ ही जानती है। नहीं, माँ करवाती रहेगी क्योंकि हाँ। लगातार 1919 से करवा रही है हाँ। माँ अपनी पूजा छोड़ नहीं सकती क्योंकि आप लोगों के हाथों से वो पूजा लेना स्वीकार है माँ को। क्या कहेंगे आज के दिवस में? आज विधि विधान से जी हम लोग का ये पूजा 1919 में शुरू हुआ, अब तक 105 साल पदार्पण हुए, तो हम लोग सब भाई बहनों मिलकर हम लोग ये पूजा को हम लोग चलाते रहेंगे, और इतना हम लोग का इसमें खुशी, हम लोग का सब भाई बहनों को इतना खुशी, भोग वितरण होता है, माँ साक्षात विराजमान है और माँ आशीर्वाद दे रही है अपने इस सबसे पुरानी पूजा कमेटी को, जो उनकी लगातार 105 वर्षों से सेवा करती आई है,
और ये कमेटी जमशेदपुर की नहीं झारखंड की सबसे पुरानी कमेटी है और माँ उन सबों पे आशीष बरसा रही हैं और कह रही हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा होती रहे, जगत के कल्याण के लिए मेरा आशीष और मेरा आशीर्वाद हमारे सभी भक्तों को मिलता रहेगा। जय माता दी। हेलो करो लो, हैप्पी पूजा, हैप्पी पूजा। जमशेदपुर पूजा कमेटी में हमारे सबसे आए हुए नए मेहमान जो ये छठी पीढ़ी से हैं, पांच पीढ़ियां सेवा दे चुकी हैं और साक्षात छठी पीढ़ी जो आपके सामने दिखाई दे रही है माँ की सेवा के लिए तैयारी में, और ये अभी से समझ रहे हैं कि माँ की सेवा कैसे की जाए, क्योंकि अब ये न्यू जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन की पूजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने वाली है और रोबोटिक्स के साथ होगी, तो यही सब लोग उन बातों को लेकर चलेंगे और बहुत बेहतर तरीके से इनकी तैयारी होगी। और इन लोगों के साथ पूजा कमेटी में आए हुए सभी लोग और इन सब लोगों के आशीर्वाद से आज जितने भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ का पूजा करते हैं और सभी यहाँ का आशीष प्राप्त कर अपने घर में सुख शांति और देश और विदेश में अपने नाम को रोशन करते हैं। जय माता दी। सिद्धिदात्री सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करती हैं और ये माँ का अनूठा स्वरूप पूरे विश्व में आज विख्यात है और माँ की पूजा आज यूएसए में, यूके में और यहाँ तक अरब अमीरात में भी पूजा किए जा रहे हैं। दुबई से बहुत सारे फोटो हम लोगों के मीडिया चैनल पे आ रहा है कि लोग पूजा कर रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। बिष्टुपुर राम मंदिर जो कि ये पूरे झारखंड का केंद्र बिंदु है और एक केंद्र बिंदु से ही पूरा झारखंड की धर्म और संस्कृति की संरक्षण होती है, संवर्धन होती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच सेक्रेटरी महोदय, जनरल सेक्रेटरी महोदय, महासचिव जी और अध्यक्ष जी और उनके साथ ये सभी भगवान श्री राम के भक्त आज का भोग का वितरण और अद्भुत अनूठा स्वाद क्या कहें हम उसका, क्योंकि माँ के प्रसाद का तो कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले महासचिव जी से जानना चाहता हूँ आज के दिवस में इस केंद्र बिंदु जो झारखंड का धार्मिक सेंटर है वहाँ से क्या आशीष वचन देना चाहेंगे सारे भक्तों को, पूरे देश और पूरे राज्य के लोगों को नवमी के दिन। सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दुर्गा हर प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक नागरिक को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आंध्र प्रदेश श्री राम मंदिर में माता दुर्गा का रूप राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया गया है, उसी में पिछले विगत 9 दिनों से नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। हम प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूपों को, माता के स्वरूपों को यहाँ पर पूजन करते हैं। कल अष्टमी के दिन माता का पूजन के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। आज नवमी में नवकन्या पूजा भी की गई। नवकन्या पूजा होने के बाद में सभी भक्तों को आज प्रसाद यहाँ पर खिलाया गया और सभी आके, काफ़ी संख्या में भक्त आए और आके प्रसाद ग्रहण किए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में हम लोग सब इस धर्म और संस्था से जुड़े हुए हैं, इस हमारे संस्कृति को भूले नहीं हैं और इसे भूलना भी नहीं चाहिए। मैं सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महासचिव जी ने कहा कि ये मंदिर केंद्र बिंदु है धर्म के जागरण का और यहाँ पर हजारों हजार श्रद्धालु आते हैं और आशीष लेकर जाते हैं, क्या कहेंगे सभी श्रद्धालुओं को आज नवरात्रि के दिवस पर? सबसे पहले मैं नवरात्रि के इस पावन पर्व की तरफ से मैं सबों को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि सारे जमशेदपुर के वासियों को, हमारे पूरे झारखंड के प्रांत को सुख समृद्धि माँ की कृपा से प्राप्त हो, पूरा झारखंड जो है और आगे बढ़ते रहे और खासकर हमारे जमशेदपुर के वासियों को हर सुख सुविधा की कामना करते हुए मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है, ये जो बिष्टुपुर राम मंदिर ये केंद्र बिंदु है, आपने सही कहा, ये धर्म का वो स्थान है, यहाँ राम का वो पावन मंदिर है जो 104 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग हर तरह से जो भी कार्यक्रम, जो धर्म का कार्यक्रम है, इसको संपूर्ण करते हैं। ये हमारी टीम को, हमारे पूरे राम मंदिर के जो कमिटी है, मैं इसको सारे सदस्य को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। ये जो नवरात्रि की जो पावन जो पर्व को उन्होंने बहुत अच्छा से निभाया है और सबसे बड़ी बात है आज जो है कन्या पूजा भी किया गया है। कम से कम हम लोग 25-30 कन्या को जो है यहाँ बुलाकर कन्या का प्रसाद वितरण किए हैं
और इस तरह से जो अब कल जो है आखिरी दिन है, विजयदशमी का दिन है, मैं यही कामना करते हुए माँ से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि इसी तरह से हम सबों को माँ की ओर से शक्ति मिले, हम इस कार्य को और अच्छा से पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में आज? नवरात्र की सबकी बधाई हो। और हम बचपन से यहाँ पर जो भी मंदिर में जो भी प्रोग्राम, जो भी माता का प्रोग्राम या साल भर जो प्रोग्राम होता है, हम यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने आशीर्वाद मांगते हैं। सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, माता का ये आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम एक केंद्र बिंदु हमारे झारखंड का, और झारखंड ही नहीं पूरे देश का केंद्र बिंदु, क्योंकि भगवान श्री राम विजयदशमी के त्यौहार में माँ की ही शक्ति और माँ के ही आशीर्वाद से महाबली रावण का वध किया था और धर्म का स्थापना अधर्म के ऊपर किया था। तो ये राम मंदिर साक्षात श्री राम का निवास स्थान और यहाँ माँ का पूजा, अद्भुत दृश्य होगा। आप सभी भक्तों को हमने टाइम टू टाइम दिखाते मैं रहा हूँ, लेकिन आज ये श्री राम मंदिर प्रांगण से हमारे अध्यक्ष जी ने और महासचिव ने जी ने और बाकी और सब लोगों ने जो बात कही, उससे साबित होती है कि ये केंद्र बिंदु धर्म के रक्षा का, और कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन कि राम मंदिर जरूर दर्शन करिए, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से अपने परिवार में सुख शांति और देश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए वैभव प्राप्त करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।